से है। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव 2020, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आज पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। चुनाव को लेकर 21 जिलों में ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। पिछले दो दिन से संबंधित जिलों के दौरे पर थे ऑब्जर्वर। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम पीसीसी की ओर से तय होंगे। जिला परिषद सदस्य के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साथ ही 7 और 8 नवंबर को भी संबंधित जिले के दौरे पर रहेंगे ऑब्जर्वर। पार्टी की ओर से घोषित किए जाने वाले उम्मीदवारों को सिंबल सौंपेंगे। जिला परिषद सदस्य के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पर्यवेक्षक अपने रिपोर्ट सौंपेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश ओला फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जो पर्यवेक्षक हैं वो अपने रिपोर्ट सौंपेंगे, इससे पहले भी जिलों के दौरे पर थे, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जो बात करें तो पंचायत समिति और जिला जो परिषद के जो चुनाव है वो आयोजित करवाए जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया, जिसमें 4 नवंबर को लोक सूचना जारी करने के बाद में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 जिलों के अंदर जो पंचायत समिति और जिला प्रमुख के जो चुनाव वो आयोजित करवाए जा रहे हैं। 4 चरणों में मतदान प्रक्रिया वो रहेगी। 4 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें बात करें तो 21 जिलों की जो 222 पंचायत समितियों में चुनाव है वो हो रहे हैं, जिसमें प्रधान के चुनाव आयोजित करवाया है, जिसमें 4371 वार्ड हैं जिनके लिए नामांकन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया में पहले दिन 11 नामांकन दाखिल किए। इसी के साथ बात करें तो जो 21 जिला परिषद के लिए नामांकन दाखिल में तो नामांकन दाखिल के पहले दिन 3 नामांकन दाखिल किए गए। 9 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, जिसके बाद में 10 और 11 नवंबर को नाम वापसी स्क्रूटनी और नाम वापसी होगी। नाम वापसी के बाद में 11 नवंबर को चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाएंगे। इसके बाद में पहले चरण का जो मतदान है 23 नवंबर को आयोजित करवाया जाएगा। ऐसे में बात करें तो 9 नवंबर तक नामांकन के अंतिम दिन है। ऐसे में कांग्रेस, बीजेपी और जो अन्य जो उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी करने के लिए कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे। सभी 21 जिलों में पंचायत समितियों के अनुसार पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, जो आज अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। लगातार 21 जिलों की बात करते 21 जिलों में जो पार्टी के जो सिंबल को लेकर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे थे उन्होंने पर्यवेक्षकों से मुलाकात की और अपने आवेदन पत्र दिए गए ताकि उनको पार्टी सिंबल मिल सके। ऐसे में एक दिन निकल चुका है, अब 9 नवंबर तक जो नामांकन प्रक्रिया है वो दाखिल होगी। इसके बाद में जो आगे का कार्यक्रम चुनावी कार्यक्रम वो रहेगा, लेकिन 9 नवंबर से पहले सभी जो पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको सिंबल देना अनिवार्य है ताकि वो अपने पार्टी सिंबल के अनुसार नामांकन दाखिल कर सके। हालांकि देखिए, बात करें तो निगम चुनाव में भी अंतिम दिन जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी की गई। ऐसे में गहमा गहमी के बीच में प्रत्याशियों ने अपने पार्टी सिंबल है वो जो आरओ ऑफिस थे वहां पे जमा करवाए। ऐसे में जो पंचायत चुनाव होंगे, जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद के जो सदस्यों के लिए जो चुनाव होंगे इसके लिए पहले ही जो नामों की सूची जारी करने और जो पार्टी चुनाव चिन्ह है वो देने की जो घोषणा है वो उसकी तैयारी पार्टियों की ओर से कर ली गई। बीजेपी की ओर से भी पूरी तैयारियां कर ली गई है, साथ साथ कांग्रेस की भी ओर से तैयारियां पूरी कर ली, जिसमें पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। पर्यवेक्षक आज जो आला कमान को उनके जो नामों की सूची है वो सौंपेंगे ताकि जो आगामी कार्यक्रम है वो शुरू हो सके। ऐसे में बात करें तो 4 चरणों में जो मतदान प्रक्रिया वो रहेगी, जिसमें पहले चरण का जो मतदान है वो 23 नवंबर को समर्पण किया जाएगा, जिसके बाद में दूसरे चरण का जो मतदान वो 27 नवंबर को आयोजित होगा। इसके बाद में तीसरे चरण का मतदान 1 दिसंबर को और चौथे चरण का जो मतदान है 5 दिसंबर को संपन्न किया जाएगा। मतदान जो वार्डों के लिए जो पार्षद होंगे उनके जो चुनाव होने के बाद में आगे महापौर और बात करें तो प्रधान और जिला प्रमुख के लिए जो चुनाव है वो करवाए जाएंगे, जिसमें 10 दिसंबर को प्रधान और जिला प्रमुख के जो चुनाव होंगे और 11 दिसंबर को उप प्रधान और उप जिला प्रमुख के जो चुनाव है वो संपन्न करवाए जाएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके अनुसार
पार्टियों ने भी पूरी तैयारियां कर ली गई है, अपने जो चुनावी जो सिंबल जो प्रत्याशी जो उतारेंगे सिंबल के अनुसार उनको लेकर भी जो लिस्ट है वो तैयारी की जा चुकी है। कांग्रेस की ओर से जो पर्यवेक्षक है वो आलाकमान को जो सूची है वो सौंपेंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो पार्टी के जो सिंबल है वो लौट सके और प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सके, क्योंकि नामांकन में समय कम बचा है, 9 नवंबर तक जो नामांकन प्रक्रिया है वो रहेगी। जी बिल्कुल लोकेश, ये कहा जा सकता है कि 9 नवंबर से पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने की जो कवायद है वो अब सिलसिलेवार तरीके से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, पार्टियों की ओर से पूरी तैयारियां है वो कर ली गई है। जिस तरह से कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे वो पर्यवेक्षक आज पार्टी कार्यालय और पार्टी जो बड़े नेता है उनको वो सौंपेंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो प्रत्याशी है उनको सूची जारी कर सके ताकि 9 नवंबर से पहले पहले पार्टी के जो सिंबल है वो अलॉट हो जाए और प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल कर सके। इसको लेकर पूरी दोनों बीजेपी कांग्रेस और जो अन्य जो पार्टियां हैं जिसमें बात करें तो रालोपा जो लोकतांत्रिक पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी वो भी अपने प्रत्याशी उम्मीदवार मैदान में उतारने की बात कर रही है। इसी के साथ जो अन्य जो पार्टियां हैं वो भी जो प्रत्याशी की सूची जल्दी जारी करेगी। इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं पार्टी की ओर से कर ली गई है। 9 नवंबर से पहले जो नामों की घोषणा करने के बाद में जल्द से जल्द जो प्रत्याशियों के पास में सिंबल अलॉट किया जो लेटर है वो पहुंचाया जाएगा ताकि जल्दी से जल्दी वो आर ओ कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सके ताकि किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और जल्दबाजी नहीं रहे। जी बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और 21 जिलों में जिस तरीके से ऑब्जर्वर लगाए गए थे, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी और साथ ही 9 नवंबर से पहले पहले तैयारियों को पूर्ण तरीके से अंतिम रूप यहां दिया जाएगा।